उपरवास में भारी बारिश और वडोदरा जिला तालुका में भी भारी बारिश की सीधी असर। वडोदरा जिला नर्मदा नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट जारी किया है। ऐसे में वडोदरा शहर से अग्निशमन और इमरजेंसी सेवा की 3 टीम को रवाना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। वडोदरा अग्निशमन और तत्काल सेवा द्वारा फिलहाल उपरवास में भारी बारिश की सीधी असर सरदार सरोवर डैम से लगातार छोड़ी जा रहे पानी के चलते नर्मदा नदी में बाढ़ की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। ऐसे में VFES की सहायता पहुंचाने के लिए वडोदरा से 3 टीम को रवाना किया है। वडोदरा जिला के सिनोर, पोईचा, चांदोद सहित डबोई तालुका के अन्य गांवों में फंसे वैसे तमाम असरग्रस्त लोगों को बाहर निकालने के लिए टीम को रवाना किया है। सिनोर पहुंचे पोईचा के रंग सेतु ब्रिज के पास दरियापुरा गांव, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास से 15 जितने असरग्रस्तों को टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसी प्रकार से चांदोद के मल्हारा गांव से घाट से भी 14 जितने लोगों को ये टीम ने रेस्क्यू करते हुए उनका बचाव किया था। तो वहीं पोईचा के पास आए हुए लाचरस गांव से 72 जितने प्रभावित वैसे लोगों को वडोदरा अग्निशमन तथा इमरजेंसी सेवा के फायर फाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहते भारी पानी के प्रवाह के साथ ये तमाम लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए दिल धड़क ऑपरेशन जारी किया था।